लगा था कि केएल राहुल मैच हरा दें, कैप्टन से जिस हिसाब से कर रहा था ऐसा लगा था मैच हरा दें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब सुबह बांग्लादेश के बैटर लोग बैटिंग करने आए तो लेंस तक कोई विकेट नहीं गिरा, क्योंकि बॉलिंग रोटेट करना, बॉलिंग को चेंज करना उतना अच्छा खासा मैनेज नहीं करता, इसलिए केएल राहुल के कैप्टनशिप पे सवाल उठ रहा है। जो कि आई होप जब मैच खत्म होते हुए डे फोर खत्म होते होते इंडिया अच्छे पोजिशन पे है, जो कि लेंस तक 124 रन बना लिए थे बांग्लादेश, 9 विकेट, कोई विकेट नहीं गिरा, जो कि शानदार बैटिंग किए थे नजीमुल हसन और जाकिर हुसैन ने, जबरदस्त बैटिंग किया, 124 रन का पार्टनरशिप लगा रहे थे, ऐसा लगा था उस इंडिया मैच हार जाएगा, बांग्लादेश मैच जीतने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले इनिंग में कुलदीप यादव ने लिए 5 विकेट लिए, फाइबर लिए थे, इस मैच में सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव कल एक ओवर दिया गया था सुबह, उसके बाद खाली 5 ओवर दिया गया, उसके उनसे बॉलिंग नहीं कराया गया, तो इनका केएल राहुल बहुत खराब कैप्टनसी की वजह से यह मैच काफी हद तक फंस गया था, बांग्लादेश अपना ग्रिप में कर लिया था। लेंच खत्म होने के बाद जब बैटिंग करने आया बांग्लादेश दोबारा बैटिंग करने आया, हमें बॉलिंग किया वो कैच, जो कैच लगने के बाद जाकिर हुसैन का कैच लगने के जैसे, और विराट कोहली हाथ से छूटने के बाद जो किच कैच सपन पकड़े थे वहां से मैच चेंज हुआ, उसके बाद यासिर अली को आउट किए, अक्षर पटेल आउट किया, उधर से फिर जल्दी जल्दी विकेट गिरने लगा, जब जाके इंडिया के हाथ में मैच ग्रिप में आया, उसके बाद फिर कुलदीप यादव ने अच्छा विकेट लिया, जो कि रतन दास को आउट किया कुलदीप यादव को पहले ही लाना चाहिए, कुलदीप यादव जल्दी लाता तो हो सकता था इंडिया आज इस स्थिति 6 की विकेट ही खाई ले पे, हो सकता आज बांग्लादेश ऑल आउट हो जाता, इंडिया मैच जीत जाता। बाद अक्षर पटेल ने एक ओवर में 2 विकेट लेके ये मैच इंडिया के नाम कर दिया, अक्षर पटेल ने एक ओवर में, जो कि मुशफिकुर रहीम को आउट करके और अरुल हसन को आउट करके अक्षर पटेल ने एक ओवर में 2 विकेट लेने की वजह से इंडिया मैच में वापस आ गया, जो कि डे फोर खत्म होते होते बांग्लादेश का स्कोर 272 रन है 6 विकेट के नुकसान पे, जो कि बांग्लादेश को चाहिए 241 रन चाहिए, जो कि अभी बांग्लादेश के हाथ में 4 विकेट, इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 4 विकेट चाहिए। शफीकुल हसन बैटिंग कर रहे हैं, मेहदी हसन अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, जो शफीकुल हसन 40 बना के खेल रहे हैं, उस जबरदस्त बैटिंग किया, 100 लगाए जो बांग्लादेश की तरफ से 100 लगाने वाले डेब्यू 10, जो कि जाकिर हसन ने बहुत जबरदस्त बैटिंग, बहुत शानदार बैटिंग, जो कि उसको विराट कोहली भी तारीफ की, उसके बाद राहुल डर्मी में तारीफ की, जो कि इंडिया को मैच जीतना है तो कल 4 विकेट लेना, अगर बांग्लादेश को मैच जीतना 241 बनाना। अभी की वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।